ऑटो टैक्सी में सफर करना अब और महंगा होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से ऑटो और टैक्सी का भाड़ा बढ़ने वाला है। सीएनजी की कीमत लगातार बढ़ने की वजह से ऑटो और टैक्सी यूनियन की मांगे महाराष्ट्र सरकार ने आखिर मान ली है। मंत्रालय में हुई मीटिंग में किराया बढ़ाने के इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। यानी अगर आप मुंबई में किसी ऑटो में बैठते हैं तो आपके लिए मीटर अब कम से कम 21 रुपए की बजाय 23 रुपए का गिरेगा। इसी तरह टैक्सी में बैठने पर अब मिनिमम फेयर 25 रुपए की बजाय 28 रुपए देना होगा। ये बढ़ा हुआ किराया 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में सीएनजी की दर बढ़ते बढ़ते 49 रुपए से 80 रुपए तक आ चुकी है। इस वजह से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के संगठनों ने किराया बढ़ाने की इजाजत मांगी थी। इससे पहले मार्च 2021 में ऑटो का और टैक्सी का किराया बढ़ाया गया था। अब मुंबईकरों को एक बार फिर से झटका लगा है। आपको बता दें कि किराया ना बढ़ाने पर ऑटो और टैक्सी यूनियनों द्वारा 26 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरकार ने हरकत में आते हुए ये फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।